क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। कहाँ से हैं आप शादाब जी? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। क्या बोलेंगे आज सीए जो लागू हुआ है 2020 में, इसके लिए बहुत दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग के अंदर एक लंबा प्रोटेस्ट चला था। आज सीए लागू कर दिया केंद्र सरकार ने। यह बोला जा रहा है कि चुनाव लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले करके हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए किया गया, जो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। देखो ये जो कराया जा रहा है ना, ये भारत सरकार जो हमारे नरेंद्र मोदी है, ये अपनी वोट को एक तरफ बढ़ाने के लिए करती है जी। ये दंगे फसाद क्यों होते हैं, एंड टाइम भी वोट के क्यों होते हैं? फिर 5 साल में फिर कभी नहीं सुना होगा, जब भी फसाद हुए सिर्फ वोट के टाइम पे क्यों हुए? अच्छा। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, ये लग रहा है सीए सिर्फ चुनाव देखते हुए किया गया है, सीए लागू किया गया जी? बिल्कुल, ये चुनाव के देखते हुए हुआ है। जहाँ भी लड़ाई होती है सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही होती है। अच्छा। अब देखो 5 साल से लड़ाई नहीं हो रहा, चुनाव के टाइम पे ही लड़ाई होती है भारत सरकार में। ये हमारी भारत सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि भेदभाव और हिंदू मुसलमान लड़ाने के लिए कर रहे हैं जी। ये बात सही है। देखो आपस में मैं अपना हाथ काट लूं, ये अपना हाथ काट लूं, खून तो एक सही है, मगर ये अंदर जो सरकार है भेदभाव तोल देती है, इंसान के अंदर भटकाने वाले काम कर रही है, ये हम लोगों को भटका रहे हैं। क्यों भटका रहे हैं जी? क्या बोलेंगे सर ये जो बोल रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुसलमान और दंगे के लिए चुनाव से पहले ये सीए लागू कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, सड़कें अच्छा बनी है, उस पर सब कोई चल रहा है, सिलेंडर सबको मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है, उसमें जात पात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बहुत बढ़िया काम करा इसने। काम के अगेंस्ट मोदी जी को वोट मिलने जा रहा है। विपक्ष चुनाव से पहले क्यों सीए लागू कर रहा है? किसी ने तो नागरिकता देने का है, लेने का है ही नहीं, तो इस भाई को मेरे को क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत कहाँ है? समझाने वाले जो राहुल जी थे वो सही से समझा ही नहीं पाया। विपक्ष के पास कोई बोलने की क्षमता नहीं है। सच्चाई ये है कि ये तो नागरिकता देने का मुद्दा है, लेने का है ही नहीं। और मोदी ने काम करी है, काम के अगेंस्ट भैया उसको वोट मिलेगा, और पिछले बार से भी अच्छा नंबर से आया। आपको पता है सीए क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आपको लगता है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि ये सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देती है, आपको लगता है ये चीजें हुई है 10 सालों में? जी जी बिल्कुल हुई है। देखो भेदभाव इतना बढ़ गया है इंसान में, एक दूसरे की अहमियत नहीं समझ रहे आजकल। हम मोदी जी की वजह से हुआ है जी, मोदी जी की बिल्कुल वजह से हो रहा है। मोदी जी एंड टाइम भी ये कानून लागू करते हैं, न कि मुसलमान यूँ और हिंदू यूँ आपस में जी, आपस में एंड टाइम पे अपनी वोटों को एक तरफ करने के मारे यही करता है। क्योंकि इंसान हमारे देश में 75% हिंदू है और 25% मुसलमान है। मुसलमान केजरीवाल को वोट देगा तो 25% है, और हिंदू देगा 75%, तो मोदी जी तो जीत जाएंगे ना। तो इसी मारे एकता को हटा देते हैं आपस में। अच्छा। और हिंदू को अपनी तरफ खींच रहे, इसी मारे भेदभाव कर रहे हैं जी जी। वोट में ही है, राशन में तो नहीं। अच्छा। है जात पात, गैस की सिलेंडर में तो जात पात नहीं है, लैटरिन मिला है उसमें जात पात नहीं है, मकान लोगों को मिला है उसमें जात पात नहीं है, बढ़िया सड़कें बनी है उसमें जात पात नहीं है, तो फिर कहाँ पर है हिंदू और मुसलमान? हमारे आपके सोच में, सोच बदलिए सब कुछ अच्छा। क्या बोलेंगे? देखो भाई सोच इंसान जब लगाता है, देखो मेडिकल में सबको इलाज कराया सरकारी की, सिर्फ हिंदू लोग ही इलाज करवाने जाता है जी, सबको जा रहा है ना, सबको फ्री दवा मिल रही है ना, कार्ड सबको बनाया ना हेल्थ कार्ड। आप जी ऐसा क्यों बोल रहे? समझ नहीं, इनको टीन का चश्मा से पढ़ाया गया है ना, उससे निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है भैया। समझदारी की कमी है, और उसी तरह का मोहल्ले में इनको शिक्षा दिया जाता है ताकि ये भाई कमजोर बना रहे, ताकि ये बोले ना। ये तो रिजर्व हो गए थे कांग्रेस के, धीरे धीरे निकल रहे हैं, अच्छे भाई इसमें से निकले हैं और अच्छे हो जाएंगे। इस बात को निकाल दे मन से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीति खेला है, विपक्ष को समझाने ही नहीं आता। कितना तक आप शिक्षित ग्रहण किया आपने? जी मैंने 12th पास करी है जी। अब की बार मैंने 12th पास कर लिया भाई, आगे मैं डी फार्मा करना चाह रहा हूँ, मगर मेरे भाई ने अब से 6 साल पहले से मेहनत कर रहा है, नहीं उसकी नौकरी लग रही है नहीं कुछ। हमारे देश में सबसे ज्यादा भुखमरी जी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ रही है जी। हम छह भाई हैं भाई, पूरे देश में 6 आदमी बेरोजगार हैं। हम 6 भाई हैं भाई, पापा कमाते हैं और 6 भाई को पढ़ा रहे हैं, जब भी हमारी नौकरी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ 6 आदमी बेरोजगार है। कौन कौन? तेजस्वी यादव, मुलायम जी के बेटा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उसके बाद ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है, वो बेरोजगार नहीं है। इसी तरह का कुछ जो नेता है वही लोग बेरोजगार है, बाकी सब कोई नहीं है। काम चोर आदमी कभी भी काम चोरी रहेगा, मेहनत करने वाले के लिए सालों भर काम है। हम पढ़े लिखे हैं, मेरे लायक काम नहीं है तो मैं दूसरा काम करके तो अपना पेट पालूंगा ना भाई। हम कहे कि हम महीना कमा रहे हैं भैया, पीएचडी कर रहे हैं हिस्ट्री से, समझे, 14,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, बस क्षमता रहना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं भैया, समझे।
बस औरंगाबाद बिहार से हैं, कुछ भी कर सकते हैं भैया, बस क्षमता रहना चाहिए। और हाँ, देश के लिए अगर वो आया है वो बंदा, उसके अंदर क्षमता है, बात समझ रहे हैं, वो लौंडा कर सकता है, उसके अंदर दम है। इसको आरएसएस चूज किया है, हम जानते हैं, हम 1925 से आरएसएस के बारे में पढ़े हैं, इसके अंदर क्षमता है, ये कर देगा मोदी जी के अंदर। हाँ हाँ हाँ, मोदी नहीं, मोदी योगी जिसको भी आरएसएस चूज करेगा ना, मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी तो एगो चेला है, 25 साल 20 साल में तो प्रचारक रहा है, समझ रहे ना, प्रांत प्रचारक, वो कुछ नहीं है। उसके अलावा भी अगर किसी को आरएसएस चूज करेगा ना, योगी आए या हेमंत विश्व शर्मा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसको भी आरएसएस चूज करेगा ना, तो वो लौंडा करेगा काम। ये बात हम दिल से हम आप शादाब जी खड़े ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और भुखमरी 2014 के बाद बहुत बढ़ गया देश के अंदर। आप बताइए ना, हम पीएचडी कर रहे हैं फिर भी दिल्ली आके 14,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि लौंडा करने वाला है, देश के लिए करेगा, ये हम जानते हैं, इसके अंदर दम है, ये लौंडा के अंदर दम है। हम पीएचडी करने के बाद भी 14,000 कमा रहे हैं, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, ये लौंडा करेगा, बस हम जान रहे हैं भैया, ये करेगा। शर्म आनी चाहिए भैया, पीएचडी करके वो 14,000 वाली नौकरी कर रहा है, गार्जियन से पैसे लेके नहीं कर रहा है। शर्म तो इसमें भी आनी चाहिए जो रोजगार की बात करते हैं, बीए करके उन्हें बीए की फुल फॉर्म नहीं पता है। बस भैया, बस शर्म तो इसमें भी आनी चाहिए, जब तुम्हें फुल फॉर्म तक पता नहीं बीए की, वो कहते हैं सरकारी नौकरी की चाहिए, तो क्या बात होनी चाहिए। तुम स्किल तुम्हारे पास होगी तभी तो करोगे, शर्म आनी, और ये कोई शर्म नहीं है पीएचडी करके नौकरी करना, कुछ शर्म, ये कोई शर्म नहीं है भाई। तुम अगर नौकरी नहीं मिली तब तक क्या बेरोजगार बैठे रहे, और अगर बैठे रहेंगे तो खाने को कोई और तो दे नहीं जाएगा। मेहनत, अगर तुम मेहनती इंसान हो तो तुम कुछ ना कुछ करके अपना पेट पाल लोगे उस टाइम के लिए, मतलब जब तुम्हारा ऑफर आएगा, लाइन आएगी, उस टाइम के लिए बैठे रहे उतने टाइम तक, खुद से निकाल रहे हैं अपना, बात समझ रहे हैं, अपना खर्चा खुद, हम जान रहे हैं ये लौंडा अपने देश के लिए कर रहा है, अपना लिए कुछ नहीं, वो बंड है लौंडा, बड़े मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, वो भी पीएम है, वो बंदा के अंदर देखिए क्षमता है, वो अपना परिवार के लिए नहीं कर रहा है, तो हम काहे उसके लिए टेंशन ले, वो हम जान रहे हैं कि वो देश के लिए कर रहा है, बात समझ रहे हैं। हम 30 साल से रहते हैं, 30 साल हो गई, मेरा उम्र 49 साल हो गया सर। पहले आए दिन गुरुद्वारा के सामने अनाउंस होता था, आप सतर्क होके चले, कोई बम ब्लास्ट हो सकता, हम लोग कितना बार देखे हैं। बस में लिखा होता था आप अपने सीट के नीचे झांक ले, ट्रेन में लिखा होता था, स्टेशन पर अनाउंसमेंट में सबसे ज़्यादा रहता था कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, टिफिन के रूप में अनशन जो भी है, आज वो सुनने को नहीं मिलता है। सुरक्षा के मामले में मोदी ने काम किया है, पुलिस वाला वही है, फौज वही है, आज क्यों नहीं ये काम हो रहे हैं, तो सुरक्षा प्रथम है। आज हम आपके सामने में खुले बोल रहे हैं, मोदी की वजह से आप भी आज रोड पर आके इस तरह कर रहे हैं, पहले कितना मीडिया था, मोदी का देन है जो आप भी बोल रहे हैं, आपसे मेरे दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, पर ना पहले कहाँ था। बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये पहले होता था 2014 से पहले होता था, जी हाँ, अब नहीं हो रहा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहा, जो भी काम करे सोच समझ के करते हैं और सब जनता के हित के लिए काम करते हैं, एक वो जनता ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है तो इसको दूंगा उसको, तो विपक्ष यही लगा रहा है कि हिंदू मुसलमान करने के लिए दिया गया। विपक्ष तो जब भी आरोप लगाए थे, जब कतार से हमारे सेना उनको जवान बनते वहाँ पे, उनको भी बचा के लाए तो उस पर भी किया, वहाँ रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रहा था वहाँ से भी हमारे भारतीय नागरिक को लाए तो उसमें भी विरोध कर रहे हैं, बता दीजिए अभिनंदन को लाया उसमें भी, ये इन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं विपक्ष ने, तो क्या इनका नाम चलेगा बताइए, विपक्ष बचा ही नहीं तो करेंगे। हाँ विपक्ष, ये विपक्ष 24 के लिए जो सियाज लागू है कहीं से भी कुछ नहीं है, ये मोदी जी का हर हर घर 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 मोदी यही है बस, जी हाँ बस। अरे इतना काम किया 2014 से, पर कॉपी उल्टा के देखिए, किताब उल्टा के देखिए, जिस तरीके से मास्टर जो पढ़ाते हैं वो तो विद्यार्थी को पढ़ाते 100-200 का, लेकिन इन्होंने 140 करोड़ जनता को पढ़ाया मोदी जी ने, जब 140 करोड़ बताइए इतना काम किया, क्या नहीं किया इन्होंने। लग रहा है ये जो आज लागू हुआ है सीए, जैसे 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, एक लंबा प्रोटेस्ट चला था, दोबारा हालात बदल सकते, हालात गड़बड़ नहीं 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 देखिए ये क्या है, पहले लोग समझते कुछ नहीं है, पहले लोग समझते कुछ नहीं, पहले उनको समझो सोचो कि क्या कर रहे हैं, उन पे अफवाह फैलाना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए, कुछ समझते है ही नहीं, हाय 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 करने लगते हैं लोग, तो ये सब ठीक नहीं है। हर आदमी समझता ही नहीं क्या है, ये देशभक्ति का दूसरा रूप है, मतलब जो भी सरकारी सुविधाएं जो भी हैं उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता, चाहे शौचालय हो चाहे अनाज हो, कोई भी किसी तरह की सुविधा हो चाहे मकान देना, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? आज अच्छी रेलवे चल रही है ना, बढ़िया बढ़िया रेलवे का व्यवस्था, उसमें सब भाई जा रहे हैं, सबके लिए अच्छा मिला है,
ये सब सिर्फ राजनीति मुद्दा, विपक्ष के पास सर कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। सबसे बड़ा विदेश नीति जो है ना इसका, हाँ मोदी जी का, इस पर मतलब यूएसए जो मतलब दादा बना रहता है पूरा दुनिया का, हम जानते हैं पूरा पीएचडी कर रहे हैं तो डिप्लोमेटिक भी पढ़ते हैं ठीक, इसके डर से मतलब वो भी नहीं है। अमेरिका 400 लिया मतलब इंडिया ठीक, तुर्की पर प्रतिबंध लगाया लेकिन इंडिया पर काहे नहीं लेगा, हुआ मतलब कोई ना कोई तो रीजन होगा। हाँ क्यों नहीं, भारत के कारण, मोदी के कारण नहीं, मोदी नहीं भारत बोलिए, हाँ बस बस भारत में बढ़ रहा है कि भारत के बढ़ के मतलब भारत को अगर साथ में लेंगे ना तभी चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे। चाइना 17 ट्रिलियन पहुंच गया है ठीक, अभी 24 ट्रिलियन है, अभी एक बैग 20 साल में बम फरमा रहा है चाइना, समझ रहे हैं ना। चाइना उसका साथ दिया 1970 के दशक में, वो देख रहा था कि पाकिस्तान को हम ले लेते हैं, मतलब यूएसए इंडिया को नहीं लिया, अभी देखा यूएसएआर तरफ चला गया ठीक, लेकिन आज इंडिया देख रहे हैं ना इंडिया कहाँ बढ़ गया, अपना बदौलत बढ़ा है, बात आप समझ रहे हैं, उसी रीजन से नहीं लगाया है बात, सबसे बड़ा विदेश नीति है भैया, बात समझ रहे हैं ना। अभी कुछ भी करेगा ना तो ये बंदा के अंदर क्षमता है, ये कर सकता है इसके अंदर, समझ रहे ना भैया। बोलते हैं पांचवा पास जो भाई घूम रहे हैं ना, ये कर दिया मुझे पता ही नहीं, अरे उसके बारे में तो जानो, ये सीएए का शोर शराबा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यह नागरिकता देने का कानून है, किसी के लेने का कानून नहीं है। आप लोगों का बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद।